हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे सूजी और हरी सब्जियों से बना एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में 2 कप सूजी और 1/2 कप दही लेंगे और फिर इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि पानी हमें ज़्यादा यूज नहीं करना है, बैटर को थिक रखना है हमें। अब बैटर को 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। मैंने प्याज, टमाटर, स्प्रिंग अनियन और शिमला मिर्च कट कर लिया है। टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया, स्प्रिंग अनियन, हरी मिर्च और इनो। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, जिसे धोकर कट कर लिया है, कच्चा टमाटर, आप लाल टमाटर भी यूज कर सकती हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम ना हो तो आप सूजी और दही को रात में ही भिगाकर फ्रिज में रख सकती हैं, जिससे सुबह आपको बच्चों को या हस्बैंड को ब्रेकफास्ट या टिफ़िन में देना बहुत आसान हो जाएगा और आपका बहुत सारा समय भी बच जाएगा। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि इनो इंस्टेंट फर्मेंट का काम करता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड में रख देंगे। तब तक चटनी बना लेते हैं। ब्लेंडर जार में सारे चीज़ों को डालकर पीस लेंगे। चटनी को बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। ये देखिए, चटनी जब थोड़ा दरदरा रहता है तो बहुत ही यम्मी लगता है इस रेसिपी के साथ। लास्ट में नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंड करते समय ही नमक को डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अप्पे बनाने के लिए। इसमें नमक और इनो डालकर मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। यही सीक्रेट है फुले फुले अप्पे बनाने के लिए। अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे और एक एक करके सभी खानों में बैटर को डाल देंगे। डालने के बाद इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद कवर को खोलकर दूसरी तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद ऊपर से फिर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। फिर से इसे 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से कुक करेंगे। बस अप्पे बनकर रेडी है। तो देखिए कितना माउथ वाटरिंग ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो गया। बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट डिश है ये। मेरे घर में तो वीकली जरूर एक बार बन ही जाता है। अप्पे को हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। साउथ में इसे पनियारम बोला जाता है, लेकिन पनियारम उड़द दाल और चावल का बना होता है। ये इंस्टेंट रेसिपी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सूजी के अप्पे बनाते हैं। अब इसे सर्व करते हैं। आप इसे अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डालकर बना सकते हैं। ये हर तरीके से बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप केवल प्याज और टमाटर डालकर भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।